बिहार से अपना एक संबंध रहा है, मूल से यह बिहार निवासी है और हाल के वर्षों में इन्होंने जो हड़प्पन सभ्यता का क्षेत्र है उसमें काफी काम किया और अभी उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी के लिए एक स्थल किराया जिसमें इंडस के कर्नल सिविलाइजेशन मतलब करीब करीब उसी काल के एक सभ्यता का पता चला है और संभवतः उस पर भी वो प्रकाश डालेंगे अपने व्याख्यान में, क्योंकि इन्होंने नए हड़प्पन संस्कृति के साइट को चुना है इस व्याख्यान के लिए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने व्याख्यान के दौरान निश्चित रूप से इसके संबंध में भी कुछ जरूर हमें जानकारी देंगे। जैसा आपने बताया कि आज से 100 वर्ष पहले हड़प्पन संस्कृति का पता चला था और यह सभ्यता हमारे सामने आई थी। पहले इसको लोग सिंधु घाटी की सभ्यता कहते थे क्योंकि जो भी इसके साइट्स थे वो सिंधु नदी के किनारे थे, लेकिन आज इसका क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि पाकिस्तान से लेकर उत्तर पश्चिम में और लगभग कश्मीर से सटता हुआ क्षेत्र से लेकर महाराष्ट्र गुजरात तक, गुजरात और या महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्र तक इसका फैलाव देखने को मिलता है। मैं लेकिन फिर भी अब अधिक समय नहीं देते हुए मैं आप आज के विद्वान वक्ता डॉक्टर संजय कुमार मंजूर से अनुरोध करूंगा कि वह अपना व्याख्यान देने की बात करें। डॉक्टर मंजूर नमस्कार, नववर्ष के सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को और आज के जो इस व्याख्यान में हमारे टीचर, हमारे अग्रज और सभी लोग उपस्थित हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। और उसके साथ साथ आज का जो ये दिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास के लिए, भारतीय पुरातत्व के लिए और भारतीय संस्कृति के। अगर आज के दिन दयाराम साहनी ने जो एक्सकवेशन शुरू किया उसके बाद हड़प्पन संस्कृति मचने का मौका मिला और पूरे विश्व में एक भारतीय संस्कृति को एक कंटेम्पररी संस्कृतियों के समानांतर आने का मौका मिला। और पहले आपको मालूम है कि इसके पहले इस संस्कृति को एक मेसोपोटामिया की संस्कृति का ही एक कॉलोनी का ही एक पार्ट माना गया क्योंकि उसी टाइप के सिमिलर सील मेसोपोटामिया जैसे में मिले थे। उसके बाद कई और नए नए आयाम 100 साल के निरंतर प्रयास और अध्ययनों से जुड़ते चले गए और 450 साइट से भी ज्यादा उत्खनित हो चुके हैं और उस उत्खनन के दौरान जो चीजें प्रकाश में आई हैं, इस सभ्यता और संस्कृति से संबंधित जो चीजें प्रकाश में आई वो विश्व के महानतम और उत्कृष्ट संस्कृतियों में माना गया। हम इस पूरे संस्कृति जो 100 साल के इतिहास में, 100 साल के उत्खनन काल में, 100 साल के नए नए डिस्कवरी में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई और अनेक पुरास्थलों की खोज हुई। भारत इंडिया पार्टीशन के बाद भारत में कोई स्थल नोन स्थल नहीं था, सिर्फ एक रंगपुर और उसके बाद रोपड़ और लोथल जैसे दो तीन साइट प्रकाश में आए और इसकी खुदाई शुरू हुई। इसके खुदाई के बाद और पुरातत्वविदों के निरंतर प्रयास के कारण जो इंडियन साइट में था, जो भारतीय टेरिटरी में जो चीजें प्रकाश में आई वो चौंकाने वाली थी। वो इंडस रिवर से भी ज्यादा कंसंट्रेशन इस
भारतीय टेरिटरी में घग्गर, जिसे हम एनसीएल सरस्वती के नाम से जानते हैं, उसमें प्रकाश में आए। और हजारों साइट, 1000 से भी ज्यादा साइट हमें यहाँ अभी तक एक्सप्लोर हो चुके हैं, जिसमें अर्ली हरप्पन और प्री हरप्पन से लेके और मैच्योर और लेट हरप्पन तक के साइट प्रकाश में आए। तो जो एक निरंतर प्रयास था, लेकिन इसके बावजूद हमें हरप्पन संस्कृति के जो नए नए आयाम उभर के आ रहे हैं और जो नए नए आयाम को हमको समझने का मौका मिल रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में हमने एक साइट जो भारतीय टेरिटरी में घग्गर के किनारे, एंशिएंट सरस्वती के किनारे जो आखिरी पुरास्थल, नोन पुरास्थल है, वो है बिंजौर। बिंजौर को एक्सकवेशन करने का मौका मिला और यही जनवरी का महीना था और संभवतः ये 5 तारीख का ही दिन था जब हम बिंजौर गए और 26 तारीख से हमने बिंजौर का एक्सकवेशन शुरू किया। और बिंजौर के एक्सकवेशन के बाद कुछ ऐसी चीजें प्रकाश में आई, एक ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें प्रकाश में आई जो हरप्पन संस्कृति के अध्ययन में, इसके अध्ययन में एक नया आयाम जोड़ती है। इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि आज का जो लेक्चर है, चूंकि ये कोर हरप्पन साइट है बिंजौर, इस पे हम बात करेंगे। हाँ, जैसे कि द्विवेदी सर ने बताया कि अभी रिसेंटली हमने एक साइट, कनौली साइट का एक्सकवेशन किया जो हरप्पन साइट के कंटेम्प्रेरी है, और इस क्षेत्र में हरप्पन और साथ साथ जिसे हम कॉपर होड ओसीपी कल्चर कहते हैं, उसका भी साइट नोन है। और उन्हीं एक पुरास्थल में ये साइट है सनौली, जिसका डेट जाता है 2100 से 1900 बीसी। और इसमें जो फाइंडिंग हमें मिला वो भी चौंकाने वाला था और इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ने वाला था। और इसकी फाइंडिंग में हमें जो महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं वो है चैरियट और उसके साथ जुड़े हुए हथियार, जैसे एंटीना सोर्ड, शील्ड, हेलमेट, कॉफिन बरियल। ये बहुत ही उन्नत किस्म का के समान एक बरियल साइट में मिलना अपने आप में अनोखा था। और इस साइट के उत्खनन के बाद हमें हरप्पन कॉन्टेक्स्ट और हरप्पन से जुड़े हुए अपर गंगा यमुना द्वार में जो संस्कृति मिल रही थी, उसका एक समानांतर अध्ययन के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ। और अब हमारी संस्कृति को एक समग्र रूप में देखने का एक नजरिया सामने आया। इसलिए ये दो पुरास्थल जो हमने एक्सकवेट किए, वो मुझे लगता है कि इतिहास में और भारतीय पुरातत्व के क्षेत्र में एक नया अध्याय, एक नया पन्ना जोड़ता है। इसके अलावा निश्चित रूप से हमने बिहार में और ईस्टर्न इंडिया में कई जगह हमने एक्सकवेशन का काम किया, जिससे हमें भारतीय संस्कृति के अलग अलग आयामों को अलग अलग स्तर पे, अलग अलग समय काल की सीमा में समझने का मौका मिला। और आज के आयोजकों को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस खास मौके पे मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया और मुझे ये सम्मान दिया कि मैं हरप्पन कल्चर पे बात करूं, जिसकी लिगेसी और जिसमें इतने महान पुरातत्वविदों ने इसके इस संस्कृति को प्रकाशित करने में अपना योगदान दिया है। एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपको बिंजौर की फाइंडिंग में क्या इम्पोर्टेंट है और कैसे ये हरप्पन संस्कृति के पर्सनालिटी को एक नया आयाम देता है, एक नया उजागर करता है, एक नया आयाम उजागर करता है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपने प्रेजेंटेशन का और उसके साथ ही मैं बात करता हूँ बिंजौर एक्सकवेशन का। आज के संभवतः आप सबों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन, क्या आप लोग देख पा रहे हैं? ठीक है, ये दिख रहा है। ये जो पूरा सेटलमेंट है अभी आप देख रहे हैं, ये एक साइट का ओवरव्यू है।
जो ऊपर से ड्रोन कैमरे से लिया गया है, जैसे हम लोगों ने एक्सकवेट किया था। तो जैसा मैंने बात किया कि जो हरप्पन कल्चर है इंडस एंड एडजॉइनिंग रिवर में सेकेंड हाफ थर्ड मिलेनियम बीसी में, ये हम मान सकते हैं, एक पूरे साल का जो रिसर्च है आज के डेट में अगर हम बात करें तो 477 साइट है वो अर्ली हरप्पन साइट है और 1022 साइट है वो मैचुअल हरप्पन साइट है और 1281 ऐसे साइट है जिसे हम पोस्ट अर्बन हरप्पन साइट कह सकते हैं, लेकिन कुछ साइट और इस रिकॉर्ड में जुड़ गए हैं। अगर हम हरप्पन डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप मैप देख रहे होंगे और इस मैप में जो आप रिवर अगर देखेंगे तो ये कालीबंगा से लेके और कुणाल, बनाबली, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर, गनवेरी वाला जैसे बहुत सारे साइट रन ऑफ कच्छ में धौलावीरा तक एक पूरी कंटिन्यूटी आपको दिखाई देगी और उसके बाद सुरकोटडा, लोथल, रंगपुर, रोजदी इत्यादि अनेक साइट जो है वो गुजरात से होते हुए और इधर आपको हरियाणा तक दिखाई दे रही है, जिसमें ज्यादातर ऐसे साइट हैं जो रूरल साइट जिसे हम कह सकते हैं वो 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में फैले हुए हैं। लेकिन अगर हम बड़े साइट की बात करें, जैसे अगर सब लोग अपना माइक ऑफ कर देंगे तो शायद अच्छी आवाज आएगी। बहुत सारे ऐसे खासकर अगर हम बात करें तो हरप्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, गनवेरी वाला एंड धौलावीरा, ये 5 ऐसे साइट हैं जिसे हम अर्बन सेंटर्स कह सकते हैं कि ये अर्बन सेंटर है। उसमें कालीबंगा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है, जिसमें राखीगढ़ी का जो पूरा एरिया है वो संभवतः सबसे बड़ा हरप्पन साइट के रूप में हम इसको देख सकते हैं, जिसमें 7 माउंड जो है वो है, उसके अलावा 2 किलोमीटर की दूरी पे 2 और माउंड है, यानी 9 माउंड का क्लस्टर ये हरियाणा में राखीगढ़ी साइट पे हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार जो भारतीय टेरिटरी में जो साइट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और उसने जो कुछ हमें दिया है वो रेगुलर लगभग 5000 साल से लेके और 1800 ईसा पूर्व तक कॉमन एरा तक हमें ये उसकी कंटिन्यूटी दिखाई देती है। यहाँ पे ये एक बिंजौर का ऊपर से लिया हुआ दृश्य है, वो अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि साइट बहुत छोटा है और जिस एक्सकवेशन का एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है 4 क्वाड्रेंट मिलके ये 10x10 मीटर का की जगह है। तो अगर टोटल एरिया हम देखें तो लगभग 150x150 मीटर का एक एरिया है आज हमें बचा हुआ है जिसका हमने एक्सकवेशन किया है। आप अगर हम कालीबंगा से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पे है, ये गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में है और बेसिकली ये घग्घर के किनारे है और मैंने जैसा बताया कि हमने इसको 2014-15, 15-16 और 16-17 3 सीजन एक्सकवेशन किया है इसमें, जिसमें स्टूडेंट की ट्रेनिंग भी हुई है और कई यूनिवर्सिटी के लोग भी इसमें ट्रेनिंग पे आए थे। ये आप मैप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये राजस्थान और राजस्थान में ये कहाँ है। ये सिर्फ अकेला साइट नहीं है बिंजौर, आप ये ब्लैक लाइन देख रहे होंगे, ये बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर, और ये रिवर बेड है, ब्लू कलर का जो आप लाइन देख रहे हैं वो रिवर बेड है जो पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान में इसे हाकरा रिवर के नाम से जानते हैं। तो ये हाकरा रिवर और घग्घर रिवर ये एक ही है और जो एंशियंट सरस्वती है वो भी यही है। तो 3 अलग अलग नामों से रीजनल उसमें जाना जाता है। आप अगर एंशियंट मैप देखेंगे तो उसमें एंशियंट सरस्वती के नाम से भी मेंशन आपको मिलेगा। तो बिंजौर जो साइट है वो यहाँ है मेरे कर्सर के पास, वही पास में लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे तरखंड वाला डेरा है और उसके अलावा जो एक और एक्सकवेटेड साइट है वो है बरोन,
जो बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है, और हमने 68 जीबी में भी एक्सकवेशन किया और 143 जीबी एक साइट है जहां भी हरप्पन से रिलेटेड चीजें हमें एक्सकवेशन में मिली है। ये एक उसका 3D मैपिंग है एलिवेशन का, ये कंटूर मैपिंग है। आप ये एंशियंट रिवर अगर देखेंगे तो आज के डेट में वो ये है एक्सकवेटेड सेटलमेंट गरगर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ हमने दिखाया। और जो इसका कल्चरल सीक्वेंस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और क्यों क्यों ये जरूरी था इस साइट को एक्सकवेट करना, या ऐसे साइट एक छोटे से साइट को एक्सकवेट करना क्यों जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि हर एक सेटलमेंट की अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी है, हर विलेज की एक सेल्फ आइडेंटिटी है, और अगर हम हरप्पन कल्चर के डिफरेंट फैसेट्स को, उसकी पर्सनालिटी को, उसके सांस्कृतिक विभिन्नता को हर एक साइट को अगर देखें तो इसलिए जरूरी है कि हम छोटे साइट को भी एक्सकवेट करें ये समझने के लिए। और इस संदर्भ में ये साइट ने कई नई आयाम को दिखाया है, जैसे वहां पैलियो क्लाइमेट क्या था, डिक्लाइन होने का क्या कारण था, हरप्पन डिक्लाइन का क्या कारण हो सकता है, और किस वक्त डिक्लाइन शुरू हुआ, हरप्पन क्या मैच्योर फेज में डिक्लाइन शुरू हो गया था, या लेट हरप्पन जिसे हम कहते हैं वो डिक्लाइन का फेज है, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या था। इन सब चीजों को समझने के लिए इस साइट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक खास बात यह है कि ये एक पहला एक ऐसा साइट है जिसका डेट 5th millennium BC से लेके और लास्ट फेज ऑफ 2nd millennium BC तक एक कंटिन्यूअस डेट हमें मिलता है, और एग्रीकल्चर बेस्ड सेटलमेंट का ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन टू क्राफ्ट इंडस्ट्री में ये दिखाई देता है, और लेट फेज आते आते, लेट मैच्योर फेज आते आते ये पूरी तरह इंडस्ट्रियल सेटलमेंट में तब्दील हो जाता है। ये उसको टेस्टिफाई करता है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ हरप्पन सील। यहां से जो सील हमें मिले हैं वो एक छोटा छोटे साइज का सील जिसे बटन सील कहा गया था अर्लियर, उस साइज के सील से लेके और टेराकोटा सील तक एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट दिखाई देता है जो अन्य किसी साइट पे हमें स्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट में नहीं मिला है। तो एक ये बहुत बड़ी योगदान है इस बात को समझने के लिए कि सील का डेवलपमेंट कैसे हुआ और कैसे सील का खत्म हो गया, अब आने वाले लेट हरप्पन या उसके बाद के कल्चर में उस प्रकार के सील क्यों नहीं दिखाई देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंप्लीट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉपर मैन्युफैक्चरिंग का एविडेंस पहली बार किसी भी हरप्पन साइट पे हमें देखने को मिलता है, और ये एक नया आयाम जोड़ता है, इसलिए कि ये पूरी तरह एक इंडस्ट्रियल साइट के रूप में हम इसको समझ सकते हैं कि ये एरिया इंडस्ट्रियल साइट के रूप में कैसे डेवलप हुआ होगा और इसका क्या योगदान रहा होगा दूसरे बड़े अर्बन सेंटर्स पे और इसके पूरे ट्रेड रूट पे। पहली बार एक और जो एविडेंस हमें मिले वो पहली बार कि एविडेंस ऑफ रिचुअल्स, फॉर्म्ड रिचुअल कि रिचुअल क्या होता था, ये अभी तक हमको हरप्पन कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा ज्ञात नहीं था, सिर्फ कालीबंगा और एक दो जगह फायर अल्टर्स ट्रेस किए गए थे, लेकिन यहाँ एक फॉर्म्ड एविडेंस हमें मिला है रिचुअल्स का। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि पैलियो क्लाइमेट को हम यहाँ अच्छी तरह समझ पाए हैं। ये एक पूरी तरह सीक्वेंस है जिसमें आप ग्रेजुअल डेवलपमेंट देख सकते हैं कि एक ट्रांजिशनल फेज भी है अर्ली हरप्पन से और मैच्योर हरप्पन के बीच में, जिसको पॉटरी एविडेंसेस भी टेस्टिफाई करता है। टोटल 7.60 मीटर कल्चरल डिपोजिट है यहाँ पे, तो एक डिपोजिट भी काफी ह्यूज है। ये कुछ आप स्टेज जो प्री हरप्पन स्टेज की का स्ट्रक्चर्स देख रहे होंगे जिसमें हर्थ है और रेमपार्ट का कुछ पार्ट है, मड ब्रिक है।
ये आप फ्लोर लेवल है और अलग अलग कलर में हमने दिखाने की कोशिश की है कि फ्लोर पे किस तरह से ब्रिक लगे हुए हैं और कई स्ट्रक्चर, तीन स्ट्रक्चरल फेज जो है वो क्लियर कट आप इसमें देख सकते हैं जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड है। इसमें हर्थ है क्योंकि हर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझने के लिए कि ये वर्किंग लेवल है, यहाँ इस फ्लोर पे वो लोग रहते थे और काम करते थे, ये नेचुरल डिपॉजिट नहीं हुआ है या इरोडेड डिपॉजिट नहीं है। ये एक दूसरा व्यू है जिसमें स्ट्रक्चर 4 स्ट्रक्चर 5 को दिखाया गया है। अगर ये दृश्य अगर आप देखें तो इसमें अनेक हर्थ दिखाई दे रहे हैं जो इस बात को साबित करता है कि ये पूरी तरह से इंडस्ट्रियल साइट था। ये सिर्फ घर के खाना बनाने के लिए चूल्हे नहीं थे बल्कि इन चूल्हों का उपयोग जो है वो इंडस्ट्री के लिए किया गया है, इसलिए इतने सारे हर्थ हमें मिल रहे हैं, इतने सारे फायर प्लेसेस मिल रहे हैं और उसके डिपॉजिट्स भी मिल रहे हैं। जैसे अगर अगर आप इंडस्ट्रियल यूज करेंगे तो इंडस्ट्रियल वेस्ट भी होगा और वो इंडस्ट्रियल वेस्ट के डिपॉजिट भी यहाँ पे काफी मात्रा में हमें प्राप्त हो रहा है। ये कई स्टेज के 7 स्टेज तक की हमारे पास स्ट्रक्चर है और डिफरेंट हर्थ है, फर्नेस है। ये एक इंडस्ट्रियल हाउस है, अगर आप देखेंगे तो इसमें एक वाटर टैंक है जिसमें ब्रिक्स लगे हुए हैं। आप ये देखिए, ये एक वाटर टैंक है जिसमें ब्रिक लगे हुए हैं, यहाँ पे हर्थ है और इस एरिया में हमें वेट्स मिले हैं, चीजल मिला है और एनविल्स मिले हैं, तो कई ऐसे चीजें मिली हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ये एक क्राफ्टमैन्स का हाउस रहा होगा और यहाँ पे वो सारी चीजें इंसिटू हमें मिली हैं। ये देखे, ये अलग अलग डायमेंशंस के वेट एक ही जगह एक ही क्लस्टर में मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि ये जो क्राफ्टमैन हाउस था इसमें मेजरिंग के लिए या वेइंग के लिए अलग अलग डायमेंशंस के स्टोन वेट और शेल वेट भी यूज किए गए। ये चीजल भी इसके पास ही से चीजल मिला है। आप ये देखेंगे, ये वाटर टैंक है जो शायद इंडस्ट्री में फोर्जिंग और कॉपर इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अर्ली और प्री हरप्पन डिपॉजिट है। ये अलग अलग, अब इंटरेस्टिंग क्या है, अगर आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो किस तरह से मड ब्रिक में चेंजेस हो रहे हैं उसके साइज में, किस तरह से पॉटरी में चेंजेस हो रहे हैं और मटेरियल कल्चर में क्या चेंज हो रहा है, इन दोनों को इन सारी चीजों को समग्र रूप में समझना होगा कि कल्चरल डेवलपमेंट अर्ली हरप्पन से और मैच्योर हरप्पन तक के फेज में किस तरह से हो रहा था। और न सिर्फ ब्रिक साइज में चेंज हो रहे थे बल्कि मटेरियल कल्चर में भी ऐड हो रहे थे, इनके जो ट्रेड्स हैं और उसके जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो और ज्यादा प्रगाढ़ हो रहा था आसपास के सेटलमेंट के साथ। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को हम कैसे समझते हैं कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, हर्थ से हमें मिला है जिससे ये साबित होता है कि ये पर्टिकुलर हर्थ ये कॉपर प्रोसेसिंग के लिए इसको यूज किया गया होगा। अगर हम पूरे प्रोसेस की बात करें तो नेचुरल वर्ल्ड से जहां से हम ओर कलेक्ट करते हैं कॉपर ओर, वहां से फिर प्रोसेसिंग शुरू होता है, फिर स्मेल्टिंग शुरू होता है और स्मेल्टिंग जब होगा तो उससे रेजिड्यू भी निकलेंगे और स्लैग भी निकलेंगे, फिर उसके बाद रीस्मिथिंग भी होता है। जैसे अगर हम किसी चीज को निकालते हैं तो उसके इंगॉट्स बनाते हैं, फिर उसको क्रूसिबल्स में या उसमें फिर से स्मेल्ट करके और छोटे छोटे टूल्स, यूटेंसिल्स, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। फिर अगर वो टूट जाता है तो हम क्या करते हैं, रिसाइकिल भी करते हैं और रिपेयर भी करते हैं, क्योंकि एक मेटल ऑब्जेक्ट को रिसाइकिल और रिपेयर किया जा सकता है। उसके बाद क्या होता है, हम उसे एक्सचेंज भी करते हैं दूसरे सेटलमेंट के साथ, या जैसे अगर कोई एग्रीकल्चर बेस्ड चीजें हैं
ग्रेन्स है, उसके साथ वाटर भी होता है, एक्सचेंज भी होता है ट्रेड का, तो वो एक ट्रेड को दिखाता है। फिर ये सोशल फंक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे खासकर अगर रिचुअल्स की बात हो, डेकोरेटिव यूज की बात हो, तो ये कॉपर का या किसी भी मेटल का जो यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो वेस्ट चीजें बच जाती हैं, जो टूट जाती हैं या वो रह जाता है, तो वो आर्कियोलॉजिकल रिकवरी के रूप में हमारे पास आती हैं। तो ये इंटायर प्रोसेस को समझने के लिए ये साइट बहुत इंपॉर्टेंट था, और इस साइट से जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ, तो ये पूरे साइकिल को एक अच्छे से हम उसको डिफाइन कर पाए हैं पहली बार किसी भी हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट में। आप देखेंगे तो एक बहुत ही नजदीक नजदीक आपको हाथ दिखाई देगा, ये बेसिकली सुपर इम्पोज्ड है। जब एक सेटलमेंट और एक हड़प के बाद 20-25 साल बाद एक हड़प खराब हो जाता है, तो उसको फिर दोबारा बनाया गया, फिर तीसरी बार बनाया गया, तो ऐसे एक सुपर इम्पोज्ड हड़प लगभग 7 फेज के एक ही जगह हमें कई बार मिले हैं। वो ये दर्शाता है कि एक क्राफ्टमैन अपने हाउस में पीढ़ियों तक, सैकड़ों साल तक एक ही जगह पे काम करता रहा है, और ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी को भी दर्शाता है कि आज भी अगर आप देखेंगे जो पुराने आयरन स्मिथ हैं या गोल्ड स्मिथ हैं, वो एक ही जगह पे काम करते हैं कई पीढ़ियों से। तो ये हमारी एक परंपरा है, और वो एक साइकोलॉजिकली जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसको भी दर्शाता है। आप देखेंगे अलग अलग तरह के हर्ट हैं, जिसमें एक में चैनल है, तो एक एक ये क्लस्टर हर्ट है जो शायद बीड मेकिंग के लिए यूज हो रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे तो कई तरह के हर्ट हैं, और ये डिफरेंट स्टेज है, ये जो लेट फेज का स्टेज है, उसके बाद ये आप देखें ये इतनी डिपॉजिट है, ये अर्ली हर्ट है, ये उससे अर्ली हर्ट है, ये उसके बीच का है। कई स्टेज के जो हर्ट हैं, ये एक्टिविटीज हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। इसके बीच में ये दीवारें हैं जो मड ब्रिक की दीवारें हैं, जो इसके साथ साथ एक हाउस कॉम्प्लेक्स को दर्शाती हैं, और उस हाउस कॉम्प्लेक्स के मध्य में ये हर्ट बनी है। ये कुछ उसके ड्राइंग्स हैं अलग अलग, आप देखेंगे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल है, आप इसको अगर देखें तो चारों तरफ ये मड ब्रिक लगे हैं, लेकिन हाई हीट और फायरिंग की वजह से ये मड ब्रिक अंदर की तरफ से बर्न हो चुका है, जबकि बाहर की तरफ से इतना ज्यादा बर्न नहीं हुआ है। तो ये साफ दर्शाता है कि इसके अंदर जो हिट है वो काफी लंबे समय तक इसको यूज किया गया है, और बहुत इसकी जो फायरिंग की गई है उसका हिट बहुत ज्यादा रहा होगा, इसकी वजह से ये मड ब्रिक जो है वर्ल्ड ब्रिक में कन्वर्ट हो चुका है। अलग अलग तरह के आप इसमें हर्थ आप देख रहे होंगे, जिसमें ये एयर ब्लोइंग दिख रहा है, आपका प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर, हाईलाइट नहीं, अब दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है सर, शायद किसी और ने भी स्क्रीन शेयर कर लिया होगा इसलिए शायद नहीं दिख रहा है। हाँ, तो एक स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कि हर्ट दिखाई दे रहा है, ये ठीक है। हाँ, ये कुछ और हर्ट के जो प्लान हैं, जिसमें अंदर डिपॉजिट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये आप देखिए कोयला बनाने का भी हर्ट है, जहां ये लकड़ी का कोयला बनाया जाता होगा, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है ये समझने के लिए कि जो क्राफ्टमैन है उसे लकड़ी की कोयले की भी जरूरत पड़ेगी, तो लकड़ी का कोयला बनाने का भी हर्ट है, और इसके साथ साथ जो दूसरा एक हर्ट मिला था जिसमें बहुत सारे लकड़ी के चारकोल्स मिले थे, ये जो मैंने आपको बताया था क्राफ्टमैन संभवतः कॉपर स्मिथ का ये वर्कशॉप होगा, और आप ये देखें इसका डिटेल, और वाटर टैंक विथ इंडस्ट्रियल वेस्ट, दोनों चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ये वेट्स हैं, स्टोन वेट है क्यूबिक,
और ये देखिए ये पॉलिशर है, ग्राइंडिंग के लिए है, और दोनों स्टोन भी इसी कॉम्प्लेक्स में हमें मिले हैं, ये चिजल है। आफ्टर एनालिसिस आप ये देखेंगे कॉपर ओर एंड स्लैब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझने के लिए कि क्या ये कॉपर इंडस्ट्री थी या नहीं थी, या यहाँ जो मिल रहा है फिनिश मटेरियल क्या वो कहीं बाहर से लाया गया था। तो ये स्लैग का मिलना, कॉपर स्लैग का मिलना, इंडस्ट्रियल वेस्ट का मिलना काफी बड़े मात्रा में इस बात को इंगित करता है कि ये साइट कॉपर स्मेल्टिंग के लिए काम आ रहा होगा, और सेटलमेंट पूरी तरह से कॉपर स्मेल्टिंग में जुड़ा था। ये आप देखेंगे यहाँ से प्राप्त जो कुछ कॉपर स्लैग है जिसमें कॉपर का कॉपर ऑक्साइड इम्बेडेड है, ये कुछ मोल्ड है। अब जैसे आप देखेंगे स्पीयर हेड का मोल्ड है जिसमें मोल्टेन मेटल डाल के इसमें बनाया गया होगा, फिर उसको तोड़ के निकाला गया होगा। इसी तरह से अलग अलग शेप में इंगॉट बनाने के लिए और उसके बनाने के लिए ये मोल्ड्स भी हमें मिले हैं। ये बहुत सारे ऐसे क्रूसिबल्स और ये भी हमें मिले हैं जिसमें कॉपर और उससे रिलेटेड इंगॉट्स वगैरह स्मेल्ट के बाद डालना और मेजर करना करने के लिए यूज हुआ होगा। ये आप देखेंगे अलग अलग तरह के टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स हैं। इसमें एक ऐसा चीजल है जिसमें गोल्ड ऊपर लगा है, तो ये एक मास्टर क्राफ्टमैन का ये चीजल रहा होगा जिसमें उन्होंने गोल्ड की प्लेटिंग की है टॉप पे। ये अलग अलग तरह के फिश हुक हैं, ये स्पीयर हेड है, एरो हेड्स हैं, नाइफ है और चीजल्स हैं, बीड्स हैं। ये आप देखेंगे वैरायटी है कॉपर मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चर्ड आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो वैरायटी ऑफ आर्टिफैक्ट्स यहाँ से मिल रहे हैं। ये कुछ अलग अलग ये स्पेशल है जो ऑर्नामेंट्स के अलग अलग धागों को पिरोने के लिए होगा, तो ये पांच होल वाले स्पेशल हैं जिसमें पांच लड़ी के ये बीड्स लगा के ऑर्नामेंट बनाया गया होगा। तो आप देख सकते हैं कि उस समय कितनी उन्नत व्यवस्था थी और ये संस्कृति के लोग कितने उन्नत और टेक्नोलॉजी में कितने माहिर थे। ये एक ऐसा ट्रेंच था जहां हमें निश्चित रूप से एक रिचुअल्स के एविडेंस मिले, जो अगर आप ठीक से देख पा रहे होंगे तो ये अपसाइडल प्लेटफॉर्म है जिसपे वाइट क्ले की लिपाई की गई है, और यहाँ से सात क्लस्टर में ये लंप मिले हैं जिसमें मल्टीपल ग्रेन के रेजिड्यू हैं, और ये केमिकल एनालिसिस के बाद ये पता चला कि इसमें अलग अलग ग्रेन के रेजिड्यू हैं और संभवतः ये ऑफरिंग के लिए यूज किया गया होगा। उसके पास ही दो टेराकोटा बुल फिग्रीन और बर्निंग एक्टिविटी डिश ऑन अ स्टैंड है, उसपे कुछ बोन्स भी मिले हैं, और साथ ही यहीं पे स्पीयर हेड स्टेटाइट के सील, दो सील इसके पास ही मिले हैं, और क्लस्टर ऑफ पॉट मिले हैं जो इस बात को इंगित करता है कि ये पूरा जो क्षेत्र है वो रिचुअल्स के लिए भी प्रयोग में लाए गए होंगे। ये एक और जिसको आप आज नेट वगैरह पे भी देख सकते हैं कि ये हर्ट है, लेकिन ये एक्चुअल फायर अल्टर है जो यज्ञ और उसके काम में, इसके बीच में एक ऑक्टागोनल यानी अष्टभुजी एक ब्रिक लगी हुई है जो संभवतः बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत सारे ग्रेन्स और उसके एविडेंसेस भी हमें मिले हैं जो ये साबित करता है कि ये फायर अल्टर के तौर पे यूज किया गया होगा। ये बड़े साइज के लगभग 1.5 फीट के टर्टल सेल, और इसमें नाखून भी साथ साथ मिले हैं, तो इससे ये पता चलता है कि इसके मांस को खाया नहीं गया बल्कि इसको ऑफरिंग के लिए संभवतः यूज किया गया होगा, इसलिए इसके पांव भी सुरक्षित हैं। अन्यथा अगर उसके मांस को अंदर से निकाला गया होता तो इसके पांव नहीं मिलते,
आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इनके नाखून और पांव जो है ये सुरक्षित हैं इसके साथ साथ। ये जो मैं बात कर रहा था कि डेवलपमेंट ऑफ सील, ये अर्लीस्ट सील सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है वहां से अगर आप डेवलपमेंट देखें तो ये बहुत छोटा सा सील है जो 1 सेंटीमीटर के आसपास का है। ये 2 सेंटीमीटर का स्केल है, 1 सेंटीमीटर का ये पेंडेंट सील है, उसके बाद दूसरा कंसेंट्रिक सर्किल वाले सील है, फिर तिकोने आकार की सील है जिसमें कंसेंट्रिक सर्किल बने हैं, उसके बाद एक ऐसा सील आता है जिसमें स्क्रिप्ट नहीं है बल्कि एनिमल फिग्रीन है वो दोनों तरफ ओवर्स में भी रिवर्स में भी, और ये भी एक पेंडेंट सील है, गले में लटकाने का सील है। उसके बाद हम ज्यामितीय आकार का सील दिखाई देता है जिसमें पीछे बॉस दिखाई देता है जहां उसको पकड़ने के लिए अलग सिस्टम बनाया गया। पहले वो लटकाने की सील थी, उसके बाद उसके पीछे पकड़ने का नॉब बनाया गया। फिर उसके बाद आता है ऐसा सील जिसमें एनिमल भी है, यूनिकॉर्न जैसे एनिमल है और स्क्रिप्ट भी है, और उसका जो बॉस है उसका थिकनेस बढ़ गया और बॉस और डेवलप हो गया। उसके बाद जो सील आता है उसमें राउंडेड बॉस आ गए जिसमें एनिमल भी है और स्क्रिप्ट भी है। तो ये एक मैच्योर फेज का, सबसे मैच्योर फेज का सील है। उसके बाद थोड़ा डिक्लाइन शुरू होता है, स्क्वायरिस नोव आ जाते हैं और उसमें सिंबल्स फिर प्रोमिनेंट होने लगता है, ना कि फिग्रीन। और सबसे लास्ट स्टेज का जो सील है वो है टेराकोटा में सील बनने लगता है, और इसमें कहीं भी एनिमल फिग्रीन्स नहीं है, सिर्फ उसमें स्क्रिप्ट है। और ये तो जो एक कॉम्बिनेशन मैच्योर फेज में आया था, सबसे पहले सिंबल से शुरू हुआ और उसके डेवलपमेंट में कॉम्बिनेशन आया, फिर सिर्फ उसमें स्क्रिप्ट आ गए। तो मीटिंग का चल रहा था हमारे फोन पर। अच्छा, तो ये डिटेल आप देख सकते हैं, ये अलग अलग फोटोग्राफ हैं सील के, और ये टेराकोटा सील है। हाँ तो ये ठीक है, हम चले गए थे स्कूटर से, बोई और मम्मी भी गई थी। हाँ ये माइक म्यूट कर दीजिए सर। कर दिया गया सर। पॉटरी किल है, आप ये देख सकते हैं अलग अलग, एक बहुत बड़े साइज का पॉटरी मैन्युफैक्चरिंग का भी किल यहाँ से मिला है, और अलग अलग फेज की पॉटरी आपको दिखाई दे रही है। पेंटिंग इसमें 2 कलर की पेंटिंग है जो अर्ली हरप्पन फेज में व्हाइट पेंटेड शर्ट्स हैं, ये अर्ली हरप्पन कल्चर से डिनोट करता है, ये व्हाइट पेंटेड और ब्राउन कलर की पेंटिंग्स की गई है इसमें। ये भी कुछ मुस्टैच डिजाइन है, आप देखेंगे मूंछ के आकार की डिजाइन अर्ली हरप्पन फेज में, और ये हैंडल्ड कप है, तो अलग अलग चेकर पैटर्न है, और कुछ और डिजाइंस आपको वेवी लाइंस और ऐसे डिजाइंस भी हैं। अगर इसमें देखें तो बहुत ही सुंदर डिजाइनिंग मैच्योर फेज की पेंटिंग्स आपको दिखाई दे रही है, जिसमें फ्लावर डिजाइन है, एनिमल फिग्रीन है, ये कुछ और एक शुतुरमुर्ग जैसे एक और पक्षी का डिपिक्शन है, उसके बच्चे भी दिखाए गए हैं उसमें। ये कुछ और पेंटेड पॉटरी है, अलग अलग पेंटिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक बहुत ही सुंदर पेंटेड पॉटरी है जिसमें उस समय का पूरा परिपेक्ष एनवायरमेंट दिखाई देता है। ये आप देखेंगे एक लकड़ी का आज भी जैसे गांव में बाड़ा बनाते हैं तो वो बाड़ा है, उसके अंदर ये हिरन है, उसके अंदर अलग तरह के पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं। ये आप उसके ड्राइंग को देखें तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस प्रकार के पौधे हैं और अलग अलग पक्षियों का डिपिक्शन कैसा है, बाड़ा किस तरह से बनाया गया जाली लगा के। एक बहुत अच्छा डिपिक्शन है जिसमें अलग अलग ट्रीज एंड सॉल्ट्स को भी दिखाया गया है, पीपल लीफ भी है और अलग अलग प्रजाति के पेड़ हैं। तो उस समय की एनवायरमेंट, उस समय की परिस्थिति, उस समय का सेटलमेंट पैटर्न को समझने के लिए ये बहुत ही उत्कृष्ट कुछ पेंटिंग्स हैं, उसके उसको देख के हम समझ सकते हैं।
वैसे ही कुछ और पेंटेड पॉट आपको दिखाई दे रहा है, दूध पीते हुए हिरण के बच्चे दूध पी रहे हैं, उसके साथ और कई पक्षी और छोटे छोटे एनिमल्स भी हैं। ये इंसिटो कुछ पॉटरी है जो ड्रेनेज यानी सोक पिट की तरह यूज किया गया होगा। ये कुछ आप इंडस्ट्रियल वेस्ट की तरह ये पॉटरीज आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक ये टेराकोटा पाइप है जो ड्रेनेज में लगाए जाते होंगे। तो आप ये देखेंगे ये सॉकेट है एक दूसरे पाइप को जोड़ने के लिए बनाया गया है। दो छोटे छोटे टुकड़ों में टेराकोटा पाइप जोड़ के एक लंबी नाली बनाई जाती रही होगी। ये एक उन्नत संस्कृति सांस्कृतिक व्यवस्था को और डिनोट करता है, उसके उन्नत कल्चर को डिनोट करता है। सैनिटरी सिस्टम उस समय क्या रहा होगा इसको समझने के लिए ये एविडेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कुछ फिगरीन है, ह्यूमन फिगरीन है जिसमें गले में तीन लड़ी की मालाएं दिखाई गई हैं। तो ये निश्चित रूप से जो स्पेसर हमें मिला है उसको ये इंगित करता है। ये कुछ टेराकोटा एनिमल फिगरीन्स हैं, ये एयर स्टड कह सकते हैं, या फिर ये शायद धागा लपेटने के लिए यूज किया जाता रहा होगा। टेराकोटा बैंगल्स हैं, वेट हैं, ये फिर ये ब्लेड है। तो ऐसे ये कुछ इंपॉर्टेंट बीड्स हैं जिसमें कार्नेलियन और सेमी प्रीसियस बीड है, अगेट बीड है, ब्लड स्टोन के बीड है। ये आप देखेंगे कार्नेलियन बीड्स हैं, ये जिससे ब्लेड्स निकाले गए होंगे उसका ओर है जिसमें आप एक धारी धारी देख रहे हैं ना, ये ब्लेड निकाले गए हैं इससे। ये स्टेटाइट डिस्क बीड है, माइक्रो बीड्स हैं। ये कुछ फॉनल रिमेन्स है जिससे हमें उस समय के खान पान, उस समय के आसपास के सराउंडिंग्स का पता चलता है, जिसमें टर्टल सेल है, एंटलर है, डियर एंड एंटलोप के शेल है, फिश है, कैटल्स है, नील गाय है। और ये एविडेंसेस ये दर्शाते हैं कि इस एरिया में किस तरह का एनवायरनमेंट रहा होगा और ये इनकी फूड हैबिट क्या रही होगी। ये कुछ और साइट, ये कुछ डेट्स हैं इस साइट से, जो कैलिब्रेटेड डेट है वो 3378 BC से और अर्ली यानी 4000-5000 BC तक इसके डेट जाते हैं, क्योंकि जो अर्ली डिपॉजिट है उनकी कुछ डेटिंग नहीं हुई है। तो हम ये मान सकते हैं कि लगभग अर्ली फिफ्थ लेट फिफ्थ मिलेनियम बीसी तक ये पूरा साइट का डेट जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आमंत्रित करता हूं कि किसी भी प्रकार का अगर आप के पास सवाल है आपके मन में तो आप जरूर पूछें। आप सभी लोग सर का इतना अच्छा व्याख्यान सुने, अगर आप लोगों के मन में अगर किसी भी तरह की जिज्ञासा हो तो सर से जरूर पूछें। हेलो, हाँ जी जी, हाँ सर, वहाँ पर क्रीमेशन का कुछ अवशेष मिले क्या? क्रीमेशन करते थे या बरियल करते थे? हाँ, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर हम पूरे हरप्पन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कुछ जो अर्बन साइट है जिसको हम शहरी साइट कह सकते हैं, जो बड़े सेटलमेंट है, ज्यादातर उन सेटलमेंट के आसपास हमें बरियल्स ग्राउंड मिले हैं, जैसे कालीबंगा है, राखीगढ़ी है, धौलावीरा है, धौलावीरा है, ऐसे साइट पे हमें बरियल भी मिले हैं। लेकिन ज्यादातर जो छोटे साइट हैं जिसको हम रूरल साइट कह सकते हैं, उन साइट पे अभी तक हमको बरियल ग्राउंड जो सिमेट्री है वो हम अभी तक ट्रेस नहीं कर पाए हैं। वैसे ही बिंजौर में हमें नहीं मिला है इस तरह के ट्रेसेस, अभी तक हम नहीं एक्सकेवेट कर पाए हैं या नहीं एक्सप्लोर कर पाए हैं। लेकिन अगर इस बात को हम समझें कि क्या वो जलाते थे या बरीड करते थे,
तो परंपरागत संभवतः ऐसा लगता है कि ये सारी प्रथाएं एक साथ चल रही थी, जैसा कि कालीबंगा के एक्सकवेशन में देखें तो जो सेटलमेंट है वो जितना बड़ा है बरियल्स उससे बहुत कम है, 100-150 बरियल ही हम ट्रेस कर पाए हैं। लेकिन सेटलमेंट अगर 400 सालों का है या 500 सालों का कंटिन्यूस सेटलमेंट है तो बरियल्स काफी मात्रा में मिलने चाहिए थे। तो ऐसा लगता है कि सारे प्रोसेस एक साथ यूज हो रहे होंगे। राखीगढ़ी के एक्सकवेशन में भी अगर आप देखें तो तीनों तरह के बरियल मिलते हैं, जैसे फ्रेगमेंट्री बरियल, सांकेतिक बरियल और एक्सटेंडेड बरियल, यानी पूरे लाश को एक साथ दफनाया गया है। तो और आप धौलावीरा में भी इसी तरह का के बरियल्स मिले हैं। अगर उसको लिटरेचर के साथ अगर आप देखें तो वैदिक लिटरेचर में भी इन सारी चीजों का उल्लेख है, जिसमें जलाने की प्रथा और उदीक्षा यानी ओपन में रखने की प्रथा, बरीड करने की प्रथा, कुछ बोन्स रखने की प्रथा का उल्लेख होता है। तो ऐसा लगता है कि हरप्पन कल्चर में ही इन सारे प्रथाओं का चलन एक साथ था और अलग अलग कम्युनिटी में रहा होगा, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। और किन्हीं के पास मन में कोई जिज्ञासा हो रही हो तो पूछ लें। सेना साहब माइक ऑन करेंगे तब आप बोल पाएंगे। हाँ सर की माइक ऑफ हो गई है। हाँ बोलना चाह रहे हैं कुछ। हाँ, लेकिन माइक ऑफ। जी जी सर, मैं भी बात करती हूँ सर से। हेलो सर, तब तक आप रिचुअल साइट के बारे में थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? किसी ने प्रश्न भी पूछा है रिचुअल साइट के बारे में टेक्स्ट में। हाँ, अगर हम रिचुअल साइट की बात करें तो दो तरह के रिचुअल्स फोर्टिफिकेशन के आसपास हमें मिल रहे हैं। एक जो नॉर्थ साइट में सेटलमेंट के नॉर्दर्न फोर्टिफिकेशन के पास हमें जो रिचुअल्स मिल रहा है उसमें एक ऐसी जगह मिली है जहाँ एक सीरीज में हमें पॉट मिले हैं और उसपे जो पेंटिंग है वो पोस्ट फायरिंग पेंटिंग है, यानी वो पॉट बनाने के बाद उसको पेंटिंग की गई। उसके साथ जो नीचे डिपॉजिट मिले हैं वो बहुत ही स्टिकी है, ऐसा लगता है कि कुछ ऑफर किया गया हो। नॉर्मली जो पोस्ट फायरिंग पेंटिंग है वो सामान्य प्रयोग में नहीं आते हैं, और उस पोस्ट फायरिंग पेंटिंग में भी हैफेजर्ड पेंटिंग है जिसमें एनिमल फिगरीन है, जिसमें बर्ड्स हैं, जिसमें फ्लोरल मोटिफ है, ज्योमेट्रिकल मोटिफ है, वो रेंडम किया गया है। तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है ये समझने के लिए कि क्या ये रिचुअल्स के लिए रखे गए थे। दूसरा, उसके साथ ही उसी सीरीज में हमें एक एपसाइडल प्लेटफॉर्म मिला है जिसपे वाइट पुताई की गई है, व्हाइट कलर की। उसके साथ साथ पांच ऐसे लंप मिले हैं गोल गोल जैसे इडली के आकार के, उसमें मल्टीपल ग्रेन्स के रेजिड्यू हैं, और उस ग्रेन का जब हमने केमिकल एनालिसिस किया तब ये पता चला कि इसमें अनेक तरह के ग्रेन्स के रेजिड्यू मिले हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि वो ऑफर करने के लिए वो डाला गया होगा, और ठीक उसी के ऊपर एक सील भी रखा था, और उसके पास दो एनिमल फिगरीन थे, बुल फिगरीन, जो टूटे हुए नहीं थे, आमने सामने खड़े थे। उसके साथ एक डिशन स्टैंड था जिसपे कुछ एनिमल बोन्स भी रखे थे। तो ये एक पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो इस बात को दर्शाता है कि संभवतः ये रिचुअल्स के लिए ये पूरा एरिया रहा होगा। दूसरा और एक एविडेंस जो फायर अल्टर के रूप में हमें मिला है, उसमें ऑक्टागोनल यस्टी जो उसके मध्य में लगा है, और उसके भी जो डिपॉजिट है वो सिमिलर डिपॉजिट है जैसा कि हमें उसमें मिला था। 250 हर्थ में जो ये हर्थ ये फायर अल्टर है वो बिल्कुल अलग है, उसके शेप में, उसके साइज में, उसके अंदरूनी डिपॉजिट में जो चीजें हैं वो बिल्कुल अलग है। ये इस बात को साबित करता है कि ये सिंगल यूज किया गया है वो रिचुअल्स के लिए। थैंक यू सर। सर सीपी सिन्हा सर पूछना चाह रहे थे कि ब्रॉन्ज की मूर्तियां भी मिली हैं क्या?
इस साइट से ब्रॉन्ज की तो कोई मूर्ति नहीं मिली है, ज्यादातर इस साइट पे जो चीजें मिल रही हैं वो कॉपर में मिल रही हैं। ब्रॉन्ज की बहुत कम ये सामान है, बहुत कम एविडेंसेस है ब्रॉन्ज की। तो यहाँ जो लोग काम कर रहे थे ऐसा लगता है कि कॉपर में ज्यादा काम कर रहे थे, ब्रॉन्ज एलॉयिंग कम कर रहे थे। सर एक मैसेज, जी सर कंटिन्यू कीजिए आप। हाँ, जो लास्ट फेज में जाके ये ब्रॉन्ज का ज्यादा यूज यहाँ पे नहीं हो रहा था और कॉपर का यूज ज्यादा हो रहा था, तो जो ब्रॉन्ज के लिए एलॉय करना होता है वो इतनी एलॉय नहीं हो रही थी यहाँ पे। और किसी तरह का कोई क्योंकि भारतीय साइड में बहुत ज्यादा फिगरिंग्स हमें नहीं मिले हैं भारतीय, जबकि इंडस के बेल्ट में अगर देखेंगे तो बहुत सारे फिगरिंग्स मिले हैं। तो दोनों में एक खास ये अंतर दिखाई देता है, खासकर अगर आप ह्यूमन फिग्रीन की बात करें तो सरस्वती के बेट पे ज्यादा ह्यूमन फिग्रीन नहीं मिले हैं, जब फायर अल्ट्रस मिले हैं। लेकिन अगर आप इंडस की बात करेंगे तो वहां बहुतायत में फिग्रीन मिल रहे हैं, वहां फायर अल्ट्रस नहीं है। तो संभवतः जो उनका बिलीफ सिस्टम वो अलग अलग बिलीफ रहा होगा अलग अलग रिवर बेट पे रहने वालों का। सर एक श्रीजा दत्ता है वो पूछ रहे हैं कि सर यू हैव मेंशन दैट इट इज द ओनली प्लेस वेयर प्रॉपर एविडेंस ऑफ रिचुअल हैज बीन फाउंड, कैन दिस मीन दैट बिसाइड्स बीइंग ए इंडस्ट्रियल साइट दिस वाज आल्सो काइंड ऑफ ए पिलग्रिम साइट पिलग्रिमेज। आई थिंक इट्स अ लोकल फिनोमिना, उस साइट के लिए ही रहा होगा, ये पिलग्रिम सेंटर नहीं रहा होगा। क्योंकि उस साइट पे आप खासकर देखेंगे जो लोग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं या फिर हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड कल्चर है, उसमें कहीं ना कहीं रिचुअल्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और हमारे पूरी संस्कृति में रिचुअल्स जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड रिचुअल है। तो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों के लिए रिचुअल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, और संभवतः यही कारण है कि जो इंडस्ट्री बेस्ड कल्चर है उसमें ये आउटर इंडस्ट्री के आउटर में ये रिचुअल परफॉर्म किए गए होंगे। और मैसेज बॉक्स में तो और कोई क्वेश्चंस नहीं है सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का ध्यान पूर्वक सुनने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, गर्व की बात है कि 100 साल हरप्पन के 100 साल के आज अवसर पे शुरुआती लेक्चर के लिए मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया, और बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात रही सर कि आप आए और हमारा अनुरोध स्वीकार किया, और इतना सुंदर और विस्तृत रूप से आपने इतना सिस्टमेटिक एक हमें जानकारी दी सर, बहुत अच्छा लगा सर, हमारा बहुत ज्ञानवर्धन हुआ है सर आज। मैं उमेश द्विवेदी सर, मेरी बात सुन रहे हैं द्विवेदी सर? लगता है कि द्विवेदी दिखाई दे रहे हैं। हाँ द्विवेदी सर, आपसे अनुरोध है कि बिहार पुरावित परिषद और फेसेस पटना की तरफ से आप सर को धन्यवाद दें सर। धन्यवाद डॉक्टर मंजुल, वस्तुतः आपने जिस साइट का चयन किया है निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि भारतीय क्षेत्र में पड़ने वाला एक महत्वपूर्ण साइट है हरप्पन साइट। यहाँ का इतिहास लगभग ईसा पूर्व 5000 वर्ष तक जा रहा है, और जैसा आपने बताया ये सचमुच हमारे लिए क्या इन्फॉर्मेशन था जो आपने बीट्स का जो 5 स्टेज बताया कि इस ढंग से ये डेवलप कर रहा है, ये बड़ा उठाया नहीं थे नॉर्मल अभी तक जो हम लोग देख रहे थे या जो विद्यार्थियों को साधारणतः जो पढ़ाया जाता है जो सील्स मिलते हैं जिन पर वो पिक्टोग्राफी लोग कहते हैं ये पिक्टोग्राफी है वही सामान्यतः सामने आता है। आपने खास करके जो आप जो
शस्त्री जो जिनका जिक्र किया कि कुंभों का, वो भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था कि करीब 7-8 पीढ़ी तक लगातार और एक मतलब निश्चित है कि लगातार उस ढंग का बना हुआ और एक घर में एक से अधिक चूल्हे का उपयोग निश्चित रूप से आपका यह कहना भी सही लगता है कि वो निश्चित रूप से उस समय के क्राफ्टमैन जो जो आयरन स्मिथ आयरन तो उस समय था नहीं सॉरी मतलब जो भी मेटल वर्कर्स थे उनके लिए वो एक इम्पोर्टेंट वर्क साइट था और वर्कशॉप उनका था क्योंकि एक घर में और एक जगह पर ढेर सारे चूल्हे मिलना ये अपने आप में है कि वो इंडस्ट्रियल यूज होता था उसका वर्कशॉप था वर्कशॉप था। मैं निश्चित रूप से हम समझते हैं कि जितने भी आज के हमारे श्रोता हैं वो सभी आप इस व्याख्यान से लाभान्वित हुए होंगे और हम इस वर्ष में चाहेंगे कि और अधिक व्याख्यान लोगों को सुनवा सके आप जैसे ज्ञाताओं से। मैं जो भी व्यक्ति यहाँ आप इस व्याख्यान को सुन रहे हैं मैं उन सबों को धन्यवाद देता हूँ और विशेष रूप से निश्चित रूप से वक्ता के रूप में आपने जो मेहनत किया है इस प्रेजेंटेशन को तैयार करने में मैं आपको निश्चित रूप से विशेष धन्यवाद देता हूँ। उम्मीद करते हैं कि हम फिर किसी अगले व्याख्यान में आपसे मिलेंगे। इन सभी इन्हीं शब्दों के साथ मैं बिहार पुरावी परिषद ऑफ एशियन की तरफ से आपको एवं जो इस सेमिनार में जुड़ने वाले सभी व्यक्तियों को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू और बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वस्थ रहे। मैं और एक देख रहा था विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा इनके पिताश्री भी कुछ समय के लिए जुड़े थे, इनके भाई तो थे इनके पिताश्री भी जुड़े थे, राजेंद्र राव को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो इस व्याख्यान को वो सुन रहे थे। सर एक चीज सर, हम यहाँ आपने जब पॉटरी के ऊपर जब पेंटिंग्स दिखाई सर तो उसको देख करके मुझे बिल्कुल मधुबनी पेंटिंग्स की याद आ गई, मिलता जुलता हुआ बहुत है सर। तो ये उसी का डेवलप्ड रूप है क्या सर, ये जो वो पेंटिंग्स है वो धीरे धीरे जो है हर हर रीजन में जो भी क्षेत्रीय जो लोग फोक आर्ट है वो फोक आर्ट में आप देखेंगे कि इसी तरह के इंट्रिकेट डिपिक्शंस होते हैं और ये शुरुआती उसमें जो हरप्पन कल्चर में भी अपने आसपास जो चीजें उन्होंने देखी उसको वो बहुत बारीकी से उन्होंने समझा और उसको अपने पॉट पे अपने मृदुहाइट पे उसको अंकित किया। तो वैसे ही अगर मधुबनी में देखें तो जो शुरुआती पेंटिंग है आज तो आप उसको देखते हैं कि कपड़े पे और उस पे अन्य माध्यम से बनने लगा है, लेकिन जो शुरुआती पेंटिंग है वो दीवारों पे होती थी और अल्पना बनाए जाते थे, कोवर घर में चित्रण होता था। तो जो बिलीफ सिस्टम था, जो उस समय का विश्वास था कि ये शिव पार्वती का बनना चाहिए और उसके आसपास अगर चिड़िया है, तोता है, मैना है, पेड़ पौधे हैं, आसपास का एनवायरमेंट को डिपिक्ट किया जाता था। तो हर ट्राइब में हर लोकल संस्कृति में इस तरह की परंपरा रही है। बहुत बहुत सर धन्यवाद सर, और हमारे जितने भी श्रोतागण सर जुड़े हुए हैं सभी का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग ने सर का इतना ध्यान पूर्वक आज का ये व्याख्यान सुना। हम लोग फिर मिलेंगे इसी तरह कुछ और नए सब्जेक्ट के साथ, आप लोग हमारा साथ बनाए रखें। नमस्ते।